नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए लेकर के आपके आने वाले दिन का लेखा जोखा, यानी आज बात करेंगे 20 फरवरी की। 20 फरवरी को आपके राशियों की स्थिति कैसी रहेगी, आपके जीवन में किस किस तरह की चीजें आ सकती हैं, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। इसके अलावा 20 फरवरी से फाल्गुन मास की शुरुआत भी हो रही है, तो फाल्गुन महीने की खास बातें क्या हैं और फाल्गुन महीने में हमें किसकी पूजा उपासना करनी है, इस विषय पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक महा उपाय बताएंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं और माता पिता परेशान हैं कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो क्या उपाय करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि 20 फरवरी 2019 यानी बुधवार का पंचांग क्या रहेगा। तिथि होगी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र होगा मघा, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे, राहु काल का समय जिसमें आप कोई नया और शुभ कार्य बुधवार के दिन यानी 20 फरवरी को नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक, और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। लेकिन अगर किसी के लिए उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में आपको सलाह दी जाती है कि हरी सौंफ खा करके अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सबसे पहले अपने विषय पर आते हैं और ये जानते हैं कि फाल्गुन महीने की महिमा क्या है। देखिए, अगर हम भारतीय पंचांग की बात करें या हिंदू कैलेंडर की बात करें तो उसमें चैत्र से महीनों की शुरुआत होती है। चैत्र से शुरू होते हैं महीने और फाल्गुन पर जाकर के भारतीय संवत या भारतीय साल खत्म होता है। तो भारतीय परंपरा के हिसाब से जो फाल्गुन का महीना है वो भारतीय कैलेंडर का, हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना है। और इस बार ये फाल्गुन का मास रहेगा 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक। फाल्गुन के महीने में मुख्य रूप से दो देवताओं की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करना बड़ा शुभ होता है, बड़ा शुभ फलदायी होता है। एक होती है भगवान शिव की पूजा जो की जाती है फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी तिथि को, यानी महाशिवरात्रि के रूप में। तो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में यानी जो अंधेरी रातें हैं या जो कृष्ण पक्ष है उसमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और शुक्ल पक्ष में पर्व मनाया जाता है होली का, जो रंग का रस का पर्व है और रंग और रस के देवता हैं भगवान कृष्ण। तो इसलिए शुक्ल पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शुक्ल पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करने के जो परिणाम हैं वो आपके लिए निश्चित रूप से बेहतरीन होंगे। यानी कृष्ण पक्ष में भगवान शिव और शुक्ल पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा फाल्गुन के महीने में करनी चाहिए। फाल्गुन के महीने में दो बातों का और ध्यान रखिए। एक तो इस महीने में धीरे धीरे मौसम में बदलाव होता है, गर्मियां आने की शुरुआत होती है, तो अपने खान पान को सादा बनाना चाहिए, जितना संभव हो फल और सब्जियां खाना चाहिए, अनाज का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। और दूसरा, फाल्गुन के महीने में सुंदर रंगों का या सुंदर रंग वाले कपड़ों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा फायदा होता है। सुगंध का इस्तेमाल करें, सुंदर रंग का इस्तेमाल करें और रंग और सुगंध भगवान शिव को भी अर्पित करें और रंग और सुगंध भगवान कृष्ण को भी अर्पित करें। ऐसा अगर आप फाल्गुन मास में करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। फाल्गुन के महीने में अगर आपके वैवाहिक जीवन में या आपके प्रेम के जीवन में मुश्किलें चली आ रही हैं, दिक्कतें चली आ रही हैं, तो ऐसी दशा में 20 फरवरी से 21 मार्च तक फाल्गुन का महीना रहेगा। और इस समय में अगर आप नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें, नित्य प्रातः अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अगर मधुराष्टक का पाठ आप फाल्गुन के महीने में करें तो आपके वैवाहिक जीवन की अड़चने, आपके प्रेम के जीवन की अड़चने निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि 20 फरवरी 2019 दिन बुधवार का राशिफल अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहने की संभावना बनती है और किस तरह की सावधानियों का पालन अलग अलग राशि के लोगों को करना चाहिए।
सबसे पहले पहली राशि की बात करते हैं, यानी मेष राशि की बात करते हैं। तो मेष राशि वालों को मैं बता दूं कि आपकी मानसिक चिंताएं 20 फरवरी को कम होंगी, आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा और संतान पक्ष की उन्नति होने से आपको जीवन में आनंद का, प्रेम का और सफलता का अनुभव होगा। यानी कुल मिला जुला कर 20 फरवरी का दिन आपके लिए बहुत सुंदर जाने वाला है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि आप ऐसा करिएगा कि 20 फरवरी के दिन हनुमान जी की 2 मिनट पूजा कर लीजिएगा या हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। वृष राशि की अगर बात करें तो 20 फरवरी को वृषभ राशि को थोड़ा मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्तों में या पारिवारिक रिश्तों में उलझने और अड़चने आ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा, बेहद आवश्यक होगा कि रिश्तों में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपको सेहत में कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिल लें, डॉक्टर का परामर्श ले लें, चीजों को लंबे समय तक टाले नहीं तो मुश्किलें आपको हो सकती हैं। वृष राशि वाले एक छोटा सा काम कर लेंगे कि 20 फरवरी को सफेद चीज का दान कर देंगे, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, अगर इसका आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि की अगर बात करें तो करियर में सफलता का समय है, हालांकि वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। 20 फरवरी को काम का दबाव बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से आपके रास्ते खुलेंगे, आपको सफलता मिलेगी। किसी छोटी यात्रा की संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है और ये यात्रा आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने ऑफिस में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिएगा। 20 फरवरी के दिन को अच्छा बनाने के लिए अगर आपकी राशि मिथुन है तो थोड़ा सा सुगंध लगाएं, थोड़ी सी परफ्यूम लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी राशि कर्क है तो आपकी मानसिक चिंताएं 20 फरवरी को निश्चित रूप से समाप्त होंगी, निश्चित रूप से कम होंगी। जो पिछले 1-2 हफ्तों से समस्याएं मानसिक रूप से चली आ रही हैं, उन समस्याओं के दूर होने का वक्त आ गया है, तो ऐसा लगता है कि 20 फरवरी को मानसिक रूप से थोड़े रिलैक्स होंगे। लेकिन ध्यान रखें, खाने पीने में लापरवाही ना करें, वरना डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है और वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो 20 फरवरी को 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा दीजिएगा, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। अगर आपकी राशि सिंह है तो सिंह राशि वालों को मैं बता दूं कि आपके लिए 20 फरवरी का दिन बहुत ही उत्तम है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं, किसी नई दिशा में जाना चाहते हैं, किसी रोग बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं तो 20 फरवरी को आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वैसे आपकी मानसिक चिंताएं 20 फरवरी को कम रहेंगी, आपके संतान पक्ष को सफलता मिलेगी और आपको खुद भी करियर में काफी फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटा सा काम, 20 फरवरी को 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, 20 फरवरी को कन्या राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी तरह का वाद विवाद अपने पड़ोसियों के साथ न हो या जिनके साथ काम करते हैं उन कलीग्स के साथ, उन सहयोगियों के साथ किसी तरह का वाद विवाद न हो। अगर गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी से गाड़ी चलाएंगे और लिखा पढ़ी के मामले में, पैसे के लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी रखेंगे, तो आपके लिए सावधानियों भरा दिन है। कन्या राशि के लोग 20 फरवरी को सावधान रहें तो उनके लिए बेहतर होगा। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, हरी चीज का, जैसे हरे फल है या हरी सब्जी है, किसी निर्धन को दान कर दीजिएगा, 20 फरवरी की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तुला राशि, धन की स्थितियां निश्चित रूप से आपकी बेहतर हैं, करियर में भी सुधार हो रहा है, लेकिन आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को मत भूलिए। अगर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है, कोई पारिवारिक दायित्व है, तो बेहतर ये होगा कि 20 फरवरी को उसको पूरा कीजिएगा, नहीं तो अनावश्यक परिवार में तनाव होगा। हालांकि करियर और धन का मामला आपके लिए निसंदेह निश्चित रूप से बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर आपकी राशि तुला है तो घर से निकलते समय 20 तारीख को थोड़ी सी हरी सौंफ खा लीजिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, करियर में मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा, जो जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी आप उनको बखूबी निभाएंगे और सफलता के रास्ते पर चलेंगे।
जो भी आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं थी, ऐसा लग रहा है कि 20 फरवरी को वृश्चिक राशि वालों की चिंताएं दूर होंगी, उनके काम को शाबाशी मिलेगी और वो जीवन में सफल होंगे। यानी कुल मिला के 20 फरवरी का दिन आपके लिए बेहद अच्छा है। छोटा सा काम कीजिएगा, थोड़ा सा परफ्यूम या सुगंध लगा करके अगर आप घर से बाहर निकलें तो दिन आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता की शुरुआत दिखाई दे रही है। 20 फरवरी को कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है जो आपके करियर से जुड़ी हुई हो। हो सकता है स्थान परिवर्तन से जुड़ी हुई भी कोई सूचना आपको मिले, लेकिन जो भी बदलाव होंगे आपके करियर में या आपके स्थान में, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस समय, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। भगवान सूर्य को 20 तारीख को जल चढ़ा दीजिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर जरा भी लापरवाही आप 20 फरवरी को मत कीजिएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा और अगर छोटी मोटी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से मिलिएगा, उसमें लापरवाही मत कीजिएगा। और जो ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप काम के मामले में लापरवाही करेंगे तो 20 फरवरी को आपको डांट पड़ सकती है, आपको बहुत मुश्किलों का सामना अपने ऑफिस में करना पड़ सकता है। तो 20 फरवरी का दिन जितनी सावधानी से आप निकालेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और आपके लिए जरूरी है कि आप हरे फल का या हरी सब्जी का दान 20 फरवरी को किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की अगर बात करें तो 20 फरवरी को कुंभ राशि का दिन सामान्य दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, सहयोगियों से आपको लाभ होगा, लेकिन काम का दबाव बहुत होगा, थकान बहुत रहेगी, वर्क प्रेशर से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। हालांकि मान सम्मान आपका बढ़ेगा, अपने काम की मेहनत का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम पर भी ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि वाले 20 फरवरी को छोटा सा काम करेंगे, घर से निकलते समय जरा सी हरी सौंफ खा करके निकलेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। मीन राशि की अगर बात करें तो 20 फरवरी को मीन राशि वालों को सर्दी जुकाम से सावधान रहना है, सेहत में कोई दिक्कत ना हो जाए, और अपने क्रोध पर वाणी पर काबू रखना है, कहीं क्रोध की वजह से वाणी की वजह से किसी तरह की दिक्कत पैदा ना हो। और इसके अलावा अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है, संतान के स्वास्थ्य के मामले में आप किसी तरह की लापरवाही ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए अलग अलग राशियों का राशिफल आपको मैंने बता दिया है। 20 फरवरी 2019 को आपकी राशियों की स्थिति क्या रहेगी। दो बातें आपको और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि नियमित रूप से आपको राशिफल मिलता रहे और सरल भाषा में ज्योतिष की सटीक जानकारी जल्दी से जल्दी आप पा सकें, तो इसके लिए आप हमारे YouTube पेज प्लेनेट पांडे को सब्सक्राइब करें। उसको सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन लिखा हुआ है, जो बगल में बेल दबा हुआ है, उसको दबाएं ताकि आपको जब भी हम लाइव हों या जब भी कोई नया शो आपके लिए आए तो वो शो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आपको सूचना दे दूं कि हर शुक्रवार की रात को 9 बजे से मैं YouTube पर लाइव होऊंगा और लाइव कार्यक्रम के दौरान जो सवाल आप कार्यक्रम के दौरान मुझे लिख करके भेजेंगे उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। हर शुक्रवार की रात 9 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव प्लेनेट पांडे पर, और इसके लिए आपको प्लेनेट पांडे को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है। चलिए एक महा उपाय बता देते हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने में बहुत दिक्कतें करता है, बहुत बदमाशियां करता है, तो क्या करना चाहिए। ये उपाय माता लोग करें तो बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, और जब गायत्री मंत्र का जप कर रही हैं तो सामने कोई मीठी सी चीज, मिठाई हो, बताशा हो, चीनी हो, इलायची दाना हो, कुछ ना मिले तो चीनी ही रख लीजिए, और उसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए और अपने बच्चे को वो प्रसाद सबसे पहले खाने के लिए दीजिए जिसको सामने रख करके आपने गायत्री मंत्र पढ़ा है। इस प्रसाद को खाने से आपके बच्चे की बुद्धि तेज होगी, याददाश्त अच्छी होगी और पढ़ाई में उसका मन भी अच्छी तरह से लगने लगेगा। तो आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन याद रखिए ज्योतिष की सटीक जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे। नमस्कार।